हाय एवरीवन, मैं हूँ नंदिता और आप सभी का स्वागत है नंदिता'स किचन में। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ महाराष्ट्र के बहुत ही पॉपुलर भरवा बैंगन मसाला की रेसिपी को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सुपर टेस्टी और सुपर डिलीशियस रेसिपी को। भरवा बैंगन मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 200 ग्राम बैंगन ले लिया। मैं यहाँ पे छोटे वाले बैंगन का इस्तेमाल कर रही हूँ। बैंगन को मैं यहाँ पे पहले अच्छी तरीके से वॉश कर लिया। अब हम यहाँ पे बैंगन को जो है कट करेंगे, तो यहाँ पे डंठल को ना निकाले और बैंगन के नीचे वाले हिस्से से जो है यहाँ पर क्रॉस जैसा कट कर ले। उससे क्या होगा कि मसाला हम अंदर स्टफ़ करेंगे और अंदर आप देख सकते हैं इसमें कीड़ा है कि नहीं। तो बेसिकली बैंगन में जो है कीड़ा रहता है, इससे आपको पता चल जाएगा बैंगन में कीड़ा है कि नहीं। फिर हम इसको डाल देंगे पानी में ताकि बैंगन जो है काली ना पड़े। तो इसी तरह से हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जितने भी बैंगन हैं उन सबको इस तरह से कट कर देंगे और उसमें चेक कर लेंगे कि उसमें कीड़ा है कि नहीं। फिर हम उसको जो है पानी में डाल देंगे। तो सारे बैंगन को मैं यहाँ पे जो है नीचे से काट के फिर यहाँ पे पानी में डाल दी हूँ। अब हम यहाँ पे चलते हैं बैंगन को स्टफ़ करने के प्रोसेस में। मसाला में एक बड़ा चम्मच यहाँ पे गरम मसाला पाउडर, एक चौथाई चम्मच यहाँ पे हल्दी पाउडर और एक चौथाई चम्मच आप यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दें। फिर हम यहाँ पे मसालों को मिला देंगे। मसालों को मिलाने के बाद अब हम यहाँ पे बैंगन के अंदर मसालों को स्टफ़ करेंगे। तो यहाँ पे आप एक बैंगन को ले लें और इस तरह से बैंगन को जो है थोड़ा सा स्प्रेड कर दे ताकि हम यहाँ पे मसाला को जो है बैंगन के अंदर अच्छे तरीके से स्टफ कर पाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से हमें जो है बैंगन के अंदर मसालों को स्टफ़ कर लेना है। तो यहाँ पे एक बैंगन हमारा स्टफ़ हो चुका है, बाकी जो एक्सेस मसाला है यहाँ पे थोड़ा सा डस्ट कर ले। सेम तरीके से हम यहाँ पे बाकी के बैंगन के ऊपर भी इस तरह से मसाला स्टफ़ कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, ठीक इसी तरह से आपको बैंगन को थोड़ा सा स्प्रेड करना है और उसके अंदर मसाला को स्टफ़ कर देना है। तो ये हमारा दूसरा बैंगन भी तैयार है। इसी प्रोसेस में हम यहाँ पर सारे बैंगन को स्टफ़ कर चुके हैं। इसको हम यहाँ पे अलग रख देंगे और बाकी जो यहाँ पे मसाला बच गया है उसको हम यहाँ पे ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे। अब हम चलते हैं कुकिंग के प्रोसेस में। उसके लिए कढ़ाई गरम कर ले। जैसे ही कढ़ाई गरम हो जाएगा हम यहाँ पे 3 बड़ा चम्मच करीब तेल डाल देंगे। मैं यहाँ पे सरसों के तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने मनपसंद का कोई भी तेल यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तेल को यहाँ पर डालने के बाद तेल को यहाँ पर अच्छे से गर्म कर ले। जैसे ही तेल यहाँ पर अच्छे से गर्म हो जाएगा हम यहाँ पर डाल देंगे सारे भरा हुआ बैंगन। तो बैंगन को हमें जो यहाँ पे फ्राई कर लेना है। तो आप यहाँ पे एक एक करके सारे बैंगन को कढ़ाई में डाल दें। गैस से इंडक्शन के फ्लेम को मीडियम पे रख के हमें यहाँ पे बैंगन को जो है फ्राई कर लेना है। 2 से 3 मिनट बाद हम यहाँ पे सारे बैंगन को पलट देंगे और सारे तरफ से हमें यहाँ पे बैंगन को जो है फ्राई कर लेना है। तो टोटल आपको इस प्रोसेस में 7 से 8 मिनट लगेगा। बैंगन को हमें यहाँ पे 70% कुक कर लेना है, बाकी 30% हम इसको जो है ग्रेवी में पकाएंगे। तो इसी तरह से पलट पलट के हमें जो है बैंगन को चारों तरफ से अच्छे से पका लेना है। तो जैसे ही बैंगन यहाँ पे थोड़ा सा पक जाएगा हम सारे बैंगन को जो है एक प्लेट में निकाल देंगे और यहाँ पे बैंगन को निकालने के बाद हम इसको जो है अलग रख देंगे। सब्जियों में मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज के प्याज ले लिया, 8 से 10 यहाँ पे लहसुन की कलियाँ, 3 इंच यहाँ पे अदरक, 2 यहाँ पे मीडियम साइज़ का टमाटर और 2 यहाँ पे हरी मिर्च ले लिया। सब्जी को मैं यहाँ पे लंबाई शेप में कट कर लिया। तो जिस तेल में हमने यहाँ पे बैंगन फ्राई किए थे उसी तेल में हम यहाँ पे सब्जियों को पकाएंगे। तो यहाँ पे तेल का क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा था तो इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा कम कर दिया। तो जैसे ही यहाँ पे तेल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा हम यहाँ पे सारे सब्जियों को डाल देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अदरक लहसुन प्याज, उसके बाद हम उसमें डाल देंगे टमाटर और हरी मिर्च। सब्जियों को डालने के बाद अब हम यहाँ पे सब्जियों को अच्छी तरीके से मिला देंगे और मीडियम फ्लेम में हमें यहाँ पे सब्जियों को थोड़ी देर के लिए पका लेना है ताकि यहाँ पे सब्जियों का कच्चापन जो है थोड़ा सा दूर हो जाए। तो यहाँ पे सब्जियों को चलाने के बाद हमें इसको जो है 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में पका लेना है। तो यहाँ पे 5 से 6 मिनट यहाँ पे हो चुका है। आप देख सकते हैं सब्जी अभी थोड़ा सा पक गई है। तो इस स्टेज में हम यहाँ पे इंडक्शन को बंद कर देंगे और सारे सब्जियों को हम जो है एक ब्लेंडिंग जार में निकाल देंगे। हमें यहाँ पे सब्जियों को जो है पीस लेना है। तो ब्लेंडिंग जार में निकालने के बाद आपको जो है यहाँ पर सब्जियों को पहले ठंडा कर लेना है, उसके बाद ही आपको यहाँ पर पीसना है। नहीं तो कभी कभी जो है ये पेस्ट बाहर निकल के आता है स्टीम क्रिएट होने की वजह से। इसके लिए आप पहले इसको ठंडा करें उसके बाद ही आप इसको पीस लें। बैंगन
फ्राई करने में जो एक्सेस तेल बच गया था हम इसको डाल देंगे कढ़ाई में। जैसे ही तेल यहाँ पे अच्छे से गर्म हो जाएगा, आधी चम्मच सरसों, आधी चम्मच जीरा और एक चौथाई चम्मच आप यहाँ पे हींग डाल दें। इन सबको आप यहाँ पे अच्छी तरीके से मिला दें और 10 सेकंड के लिए हमें यहाँ पे इन सबको मीडियम फ्लेम में पका लेना है। जैसे ही मसाला यहाँ पे थोड़ा सा पक जाएगा हम इसमें डाल देंगे प्याज, लहसुन, टमाटर और अदरक वाला पेस्ट जो हमने पहले से बना के रखा था। तो इस पेस्ट को डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे सारे मसाले। मसालों में आधी चम्मच हल्दी पाउडर, एक बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच आप यहाँ पे गरम मसाला पाउडर, एक बड़ा चम्मच यहाँ पे धनिया पाउडर और आधी चम्मच आप यहाँ पे जीरा पाउडर डाल दें। बस इतना ही मसाला हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है। मसालों को हमें यहाँ पे अच्छे तरीके से मिला देना है। फिर हमें जो है यहाँ पे मसालों को अच्छे तरीके से 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में पका लेना है। गैस से इंडक्शन के फ्लेम को आपको यहाँ पे पूरे प्रोसेस पे मीडियम पे रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे मसाले जो है अच्छे तरीके से पक गई है। तो यहाँ पे मसाला जो है पैन को छोड़ने लगी है, मतलब हमारा मसाला जो है पे परफेक्ट है। ध्यान रहे कोई भी मसाले वाले ग्रेवी में मसालों को जो है हमें अच्छी तरीके से पका लेना है। अब हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप मूंगफली का पाउडर। मूंगफली को मैं यहाँ पे सबसे पहले ड्राई रोस्ट करके फिर इसको जो है ब्लेंडिंग जार में एक बार पीस लिया था। बहुत ही फाइन पेस्ट ना बनाए, थोड़ा सा दरदरा रखे। मूंगफली के पाउडर को डालने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि पाउडर को जो है मसालों के साथ अच्छी तरीके से मिला देंगे और इसको जो है 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम में भून लेंगे। फिर हम उसमें डाल देंगे पानी। तो जिस ब्लेंडिंग जार में हम मसाला का पेस्ट बनाए थे उसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम यहाँ पे डाल देंगे। टोटल हम यहाँ पे 2 कप पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्वाद अनुसार यहाँ पे नमक ऐड कर दे। नमक डालने के बाद अब हम यहाँ पे इसको मिला देंगे और मिलाने के बाद इसको जो है उबाला जाने देंगे। तो जैसे ही यहाँ पे ग्रेवी में उबाल आ जाएगा हम यहाँ पे ग्रेवी को एक बार अच्छी तरीके से मिला देंगे। गैस इंडक्शन के फ्लेम को आपको इस प्रोसेस पे मीडियम पे रखना है। मिलाने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे सारे फ्राई किए हुए बैंगन को। तो एक एक करके सारे बैंगन को आप यहाँ पे ग्रेवी में डाल दें और ग्रेवी में डालने के बाद हमें जो है यहाँ पे बैंगन को पका लेना है। तो यहाँ पे हमने सारे बैंगन डाल दिया है। अब हम यहाँ पे हल्के हाथों से इस ग्रेवी को एक बार मिला देंगे। अब हम यहाँ पे कढ़ाई को ढक देंगे और ग्रेवी को 10 से 12 मिनट के लिए लो फ्लेम में पकने देंगे। तो 12 मिनट यहाँ पे टोटल हो चुका है। अब हम यहाँ पे कढ़ाई के ढक्कन को हटा देंगे। तो एक बार हम यहाँ पे ग्रेवी को चला देंगे और एक बार यहाँ पे चेक कर लेंगे हमारा बैंगन अच्छी तरीके से पका है कि नहीं। तो आप यहाँ पे एक बैंगन को पिक कर ले और यहाँ पे चेक कर ले बैंगन हमारा सही से पका है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा बैंगन जो है बहुत ही आसान तरीके से टूट रहा है, मतलब हमारा बैंगन यहाँ पे अच्छी तरीके से पक गई है। अब हम यहाँ पे इंडक्शन को बंद कर देंगे और ले चलते हैं इस ग्रेवी को सर्व करने के प्रोसेस में। सर्व करने के लिए हम यहाँ पे सारे ग्रेवी को जो है एक सर्विंग बोल में निकाल देंगे। तो आप इस ग्रेवी को जो है रोटी, पराठा, नान, कुलचा किसी के साथ भी सर्व करें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर आपने ऐसे भरवा बैंगन की रेसिपी कभी ट्राई नहीं की है तो आप एक बार ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ कि ये वाला रेसिपी जो है आपको और आपके फैमिली को ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।